हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें शिमला के आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया है। दरअसल वीरभद्र सिंह कुछ दिनों से रामपुर में थे, वहीं पर उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके बाद उन्हें सीधे शिमला के आईजीएमसी में लाया गया। बता दें कि वीरभद्र सिंह को सांस लेने में दिक्कत होने पर डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दी। हालांकि डॉक्टर इसे रूटीन चेकअप बता रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ वक्त से वीरभद्र सिंह खांसी जुकाम से पीड़ित हैं, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। फिलहाल वीरभद्र सिंह शिमला के आईजीएमसी में भर्ती हैं। आर9 टीवी के लिए शिमला से अजीत शर्मा की रिपोर्ट।